हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी, स्वागत आपका मेरे चैनल हेस्टिया में। आज हम गर्मी से राहत पाने के लिए नींबू पुदीना शरबत बनाएंगे। नींबू पुदीना हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ तरोताजगी प्रदान करता है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। नींबू पुदीना शरबत आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए नींबू पुदीना शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है। पुदीना एक कटोरी है, जिसको मैंने अच्छे से धोया, साफ कर लिया और पुदीने के डंठल निकाल दिए हैं। पुदीने के पत्ते लेने हैं। अब पुदीने को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा कटोरी चीनी। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार लें। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा और डालें। ये तीन नींबू का रस निकाल के रखा हुआ है, वो डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालें और इन सारी चीज़ों को बारीक पीस कर तैयार करेंगे। देखिए, सारी चीजें अच्छे से पीस गई है। अब हम छान लेंगे। आप नींबू पुदीना शरबत एक बार बनाकर रख ले और 4-5 दिन तक आराम से पिए। ये बहुत ही अच्छा शरबत बनता है और गर्मी से भी हमें काफी राहत मिलती है। शरबत को अब सर्व करेंगे। सर्विंग ग्लास में डाल लें। थोड़ा थोड़ा शरबत डालेंगे। आइस क्यूब डालें। जितना आपको ठंडा पीना है उस हिसाब से आप आइस क्यूब डालें। अब पानी डालेंगे। थोड़ा सा शरबत और डाल लेते हैं। ये शरबत हमारा तैयार है। पुदीने की पत्ती से और नींबू स्लाइस से हम सर्व करेंगे। नींबू पुदीने का ठंडा ठंडा शरबत पीने के लिए तैयार है। आप ठंडा ठंडा सर्व करें। नींबू पुदीने का शरबत ठंडक देने के साथ साथ हमें तरोताजगी भी प्रदान करता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी सही रखता है। तो आप नींबू पुदीने का शरबत बनाइए, पिए और अपने अनुभव मेरे चैनल हेस्टिया पर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।